बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया से जो मेरे भाई छुट्टी के तौर पर आ रखे हैं, आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर कर चुका हूं। उसमें मैं बहुत सी वीडियो इसी के मुतलक दो वीडियो मैंने शेयर की हैं। एक पहली जब पाबंदी लगी थी इम्पोर्ट चीज़ों के ऊपर, यानी कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो बाहर से हम लेकर आते हैं आप मंगवा नहीं सकते, इनके ऊपर पाबंदी लगी थी। उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने शेयर की जिसमें FBR की तरफ से क्लियर किया गया था कि कौन सी चीज़ें आप ला सकते हैं, नो टेंशन। दूसरी वीडियो में मैंने आप साथ, अच्छा मैं यहाँ पर आपको ना मोबाइल के मतलब बताऊंगा। बहुत से भाई कमेंट करते हैं मोबाइल एंड गोल्ड के मतलब, मोबाइल कितने ला सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ इसके मतलब भी FBR की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, आपको क्लियर कट बताता हूँ। दूसरी वीडियो में मैंने तमाम तरह चीज़ें क्लियर की, फिर भी कुछ दोस्त अखबार ने नीचे कमेंट किए कि यार तू ऐसे बोले जा रहा है, मैं तो अभी कल आया हूँ, मैं दो दिन पहले आया हूँ, मेरा भाई चार दिन पहले आया, वो सब कुछ लेके आया। तो उस वीडियो में मैंने क्या बोला आपके साथ, जो FBR की मैंने आपके साथ क्लियर कर वीडियो शेयर की, उसमें यही बोला कि FBR की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि तमाम ऐसे बंदे जो सऊदी अरब वगैरह या किसी भी कंट्री में आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, वो पाकिस्तान में अपनी फ्लैट के हिसाब से चीज़ें ला सकते हैं। अभी कैसे, बात थोड़ी समझ लीजिएगा। आपका 40 किलो वजन है, ज्यादातर 40-45 किलो वजन होता है, 7 किलो के साथ में एंड करी होता है सॉरी 40 किलो आपका वजन है। अभी 40 किलो में आपने 20 किलो खजूर रख ली है, तो यार आपका दिमाग नहीं काम करता है, आपको एयरपोर्ट के ऊपर तो फिर डेफिनेटली बात रोका जाएगा। FBR आपसे पूछ कुछ नहीं करेगी कि तूने ये 20 किलो खजूर लेके आ गया, 40 किलो वजन में से 20 किलो खजूर रखी हुई है, क्या बात है। आपसे पूछ गूछ होगी अभी कार्गो में भी, भाई ज्यादा से ज्यादा आप 3-4 किलो, कोई अच्छा वो कार्गो वाला ज्यादा रिस्क लेगा तो 5 किलो खजूर आपकी बेच देगा, ट्राई करके देख लीजिएगा, कार्गो वाले से पूछकर देख लीजिएगा। मैंने आने से पहले पाकिस्तान में कार्गो में सामान भेजा, हम दो सामान भेजे, दो गठे में नहीं, एक में 2.5 किलो रखी, एक में 2.5 किलो रखी, ये भी क्लियर कर दूं मैं। आप बोले ना आपके, मैं 20-25 किलो 30 किलो खजूर कार्गो में भेज दूंगा, ये भी नहीं होगा। मोबाइल के मतलब बात कर लेते हैं, अभी मोबाइल के मतलब मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये देख लीजिए, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका था, मेरे तो ये बंद हो चुके हैं ये पाकिस्तान में। और ये वॉच देख ले, एक वाईफाई डिवाइस पड़ी हुई है वहां पर मेरे पास, वो भी बंद हो चुकी है। वाईफाई डिवाइस जो कि मोबाइल नहीं है, वो भी इंडिगो ने बंद कर दी, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इनके ऊपर टैक्स वगैरह देना पड़ेगा और फिर ही ये ओपन होंगे, लेकिन ये 60 दिन के बाद बंद हुए हैं, जो कि पहले भी ये कानून था। अभी इसके मतलब हम ला कितने सकते हैं ये क्लियर करता हूं मैं। पाकिस्तान अगर आप सऊदी से आए तो आपको पता है 60,000 के अराउंड में आप कोई भी चीजें खरीद कर ला सकते हैं, नो टेंशन है। लेकिन पाकिस्तान में ये पाबंदी है जी, इसकी वजह से अगर पाकिस्तान में आपकी एक पॉकेट में आईफोन है जी, और दो आईफोन लेकर आपने अपने बॉक्स में रखे हुए हैं, यानी कि आपने अपने बैग में रखे हुए हैं, डेफिनेटली बात है आपको FBR रोकेगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको रोकेगी, और आपसे पूछेगी ये दो आईफोन जो आप न्यू लेकर आ रखे हैं ये किस लिए लेकर आ रहे हैं, एक तो आपकी पॉकेट में है, दो आपने ये लिए हुए हैं। हाँ, आपकी पॉकेट में एक मोबाइल है आई सिंपल, यानी कि 1500, 2000, 1800 के रियाल के अराउंड में, और उसके अलावा आपने दो डिवाइसें और सैमसंग की या किसी भी और कंपनी की IPC लेकर रखी हुई हैं, तो उसके ऊपर आपको कुछ कुछ नहीं होगी। लाइट का मसला ही पाकिस्तान में फिर यही चलता रहता है, तो उसके ऊपर आपको कुछ कुछ नहीं होगी। हाँ, अगर आपने महंगे डिवाइस रखी हुई है, वो भी 3-4 लेग खरीद कर, तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर कोई आ रहा है अपने साथ तो 2-3 मोबाइल लेकर आ जाए, खुद से तजर्बा कर ले। किसी दोस्त अखबार भी आपको बोलता है तो भाई मेरा मोबाइल है जो, उससे सॉरी कर ले, उसको बोलने कि भाई सॉरी मसला चल रहा है, तो यही बेस्ट है। तो मोबाइल्स के ऊपर आप 3 डिवाइस भी ला सकते हैं, बशर्ते के रेंज में हो, एक तो आपकी यूजेबल में है, दो आप न्यू भी ले लेते हैं। अगर आपने अभी तीनों मोबाइल, आप S22 अल्ट्रा है और दो आपने रखे हुए iPhone 13 Pro Max, तो डेफिनेटली बात आपको FBR रोकेगी, और इसके ऊपर आपको उन चीज़ों के ऊपर जो कस्टम वगैरह होगा वो पे करना पड़ेगा।